बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब दो के साथ मैं हूं फारूक वड़ाइच। 8 फरवरी के इलेक्शन हो या 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन, बहुत से सवालात छोड़ गए हैं ये इलेक्शंस। इन इलेक्शन के नतीजे में कौन लोग असम्बलियों का हिस्सा बने और हुकूमती अराकीन हों या अपोजिशन अराकीन, वो क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज कर रही है, इस एहतजाज के नतीजे में क्या नतज बरामद होंगे, सारी बातें आज अराकीन असम्बली से पूछते हैं। सरदार शहाबुद्दीन सेठ साहब, क्या देख रहे हैं? इमरान खान ने तो 4 हलकों का मामला हुआ था, पूरे मुल्क में धरने और क्या क्या हो गया था, यहाँ पर आप कहते हैं जी ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई, इतने हलके आपके नाक के नीचे से ले गए, कि कोई तहरीक नज़र नहीं आ रही, क्या होने जा रहा है? नहीं, देखें, असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ है और पार्टी लीडरशिप की कॉल है, इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और इधर पंजाब असेंबली में भी होगा और पंजाब असेंबली के बाहर भी होगा, क्योंकि ये तो तसलसल रिजीम चेंज से जो हमारी हुकूमत को गिराया गया उससे अब तक वही तसलसल जारी है और हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक हमें अपना मैंडेट वापस नहीं दिया जाता और इमरान खान साहब बानी पीटीआई जो है हमारे, उनको साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जाता। तो क्या सरदार साहब, आपने डीजी खान में भी हुआ ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब पूरे पाकिस्तान कहीं पर आपने खुद जाकर या कहीं पे देखा, मौका मिला या इतला मिली कि हुआ क्या आखिर? क्योंकि जिस तरह से 8 फरवरी को मामलात हुए थे, इससे तो ज़रा स्मूथ नज़र आए। मुस्लिम लीग नून तो ये दावा करती है कि आप लोग अपने वोटर बाहर निकाल सकें और वो उनका अदम एतमाद हो गया आपके उम्मीदवारों पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डीजी खान के इलेक्शन में मैं खुद मौजूद था। अच्छा, पोलिंग स्टेशंस पे हमारे वोटर भी निकले हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 45 जो था जी, वो किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास नहीं था। ठीक है, अच्छा था ही नहीं? था ही नहीं। ओके, ठीक है। तो जो मैंने 5-6 पोलिंग स्टेशन चेक किए हैं, वहाँ तो कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था, वो ऑलरेडी फॉर्म 45 वो अपने पास रख चुके थे रिजल्ट बनाने के लिए। तो फिर आपके जो एजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? यानी जब वो गए तो ना तो कहीं जगह पर शिकायत मिली कि पहले शायद साइन करवाए गए, आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं थे? सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, और यही बात जो पहले साइन करा के ले गए थे, ये आपके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सामने आई हैं बातें। तो मतलब ये हुआ ये कि फॉर्म 45 चूँकि है ही नहीं थे, मौजूद ही नहीं थे, मौजूद ही नहीं, पोलिंग होती रही स्मूथ, बाद में फॉर्म 45 खुद भरे गए, ऐसे हुआ? वो बाद में नहीं, पहले से उन्होंने अपने पास रख लिए। और क्या बॉक्स के अंदर वोट मौजूद थे? जी, वो भी उन्होंने डाल लिए थे जी। इसमें इलेक्शन में धांधली जो है बहुत तरीके से हो जाती है। अब मुझसे तफसील क्या पूछे कि जैसे फॉर्म 45 के बाद 47 में तब्दीलियाँ हुई, अभी तक केस चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें ये देगा हक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार। इन ज़िमनी इलेक्शन में कहाँ पे जाने का मौका मिला, कहाँ पे देखा, किस तरह के हालात थे? ज़िमनी इलेक्शन में हमारे डिवीजन में इलेक्शन था 2-3 जगहों पे, वहाँ पे विजिट्स भी किए हैं, देखा भी है। देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं उनका जो जज्बा है ना, वो ये बता देता है कि वो इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, जो उस दिन के हालात थे वो क्लियर कट थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर था वो बाहर निकला है और उनके सपोर्टर्स ने भरपूर तरीके से आवाम को वो बाहर लेके आए हैं और उनका वोट कास्ट कराया, जिसका नतीजा आपने देखा है। 8 फरवरी से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल थी उस दिन, शायद लोग कहते हैं कि नून लीग वोटर अपने बाहर ही निकाल सकी और इस ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा जोर दिया नून ने। इसमें 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जो अभी सीएम साहिबा के इकदाम हैं, आप देख रहे हैं कि रैपिडली उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराया और डिफरेंट इनिशिएटिव्स दिए हैं जिनको कौम सराह रही है। इस वक्त पंजाब में आप देखें जो गवर्नेंस मॉडल इस वक्त चल रहा है वो इफेक्टिव है और लोगों को समझ आ रही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट के, खवातीन के हरासमेंट के हवाले से कुछ इकदाम हैं वो उठाए गए हैं। साथ में आप देखें यूथ डेवलपमेंट के लिए इश्यूज़ जो थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है और साथ में अगर आप देखें जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव अभी सस्ती रोटी और नान का है, उसको भी कौम सराह रही है। तो आप कह रहे हैं कि ये सस्ती रोटी और ये इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जी जी, उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून की पॉपुलरिटी इन 2-3 माह में बढ़ गई है? बिल्कुल, उसकी वजह से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मिली। एक जी सबसे बड़ी रीज़न ये है और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो हमारी मुखालिफ जमात है उन्होंने सिवाय इस वक्त कौम को
जो आप कह लें कि इंतहा पसंदाना सोच के अलावा या एग्रेसिवनेस के अलावा कोई फलसफा पेश नहीं किया। डेवलपमेंट तो अपने दौर में भी वो नहीं करा सके, इसलिए उनके पास जो सेल करने के लिए एक ही चीज़ है कि वो लोगों को जो है ना वो इस तरफ ले जाएं जहाँ पे लोग जो है ना वो अग्रेसिवनेस की तरफ चले जाएं। तो हमें लगता है कि मरियम नवाज साहिबा 5 साल में कुछ ऐसा कर जाएंगी कि मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन जीत जाएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेगी। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात है, और आप ये देखें कि हमें एक ऐसी सीएम मिल गई हैं जो कि निडर हैं, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट इश्यूज़ पे, डिफरेंट लोगों के मसाइल पे, वो बड़ी वास्ट है, और साथ में वो पूरी टीम को साथ लेके चल रही हैं। इस वक्त उनके जो MPAs हैं उनके आईज एंड ईयर्स बने हुए हैं, और जो भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन उनके पॉलिसीज़ की है उसको हम इंश्योर कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ताकि आम आदमी तक उसका जो रिलीफ है वो पहुंच सके और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो सही तरह एग्जीक्यूट हो सके। आपको बतौर रुकने सूबाई असम्बली कहीं पे कोई शिकायत नहीं मिली ज़िमनी इलेक्शन में? आपने कहीं नहीं देखा कि कुछ हालात ख़राब हुए हों, कुछ धांधली, कोई ऐसी वैसी चीज़ कहाँ पे नजर आई है? कोई वो खुद बता दें उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट की हो जो मुखालिफ जमात अब कह रही है? देखें फॉर्म 45 उस दिन थे ही ने, या जहाँ पे थे वहाँ पे पहले साइन करवा लिए? देखें मेरी बात सुने, ये अगर रिजल्ट थोड़ी देर बाद आए, जैसे कि फर्ज किया ये कह रहे हैं जी 8 फरवरी को रिजल्ट डिले हुए हैं, तभी ये नहीं मानते, ये कहते हैं धांधली हुई है। इस दफा आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। रिजल्ट बर वक्त आए तभी ये नहीं मानते। अब कभी अवाम जो है वो कबल अज वक्त फैसला दे देगी कि हम PMLN या अपनी ऐसी जमातों के साथ खड़े हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, फिर भी ये नहीं मानेंगे, तो ये कौन से रिजल्ट मानेंगे? ये जहाँ पे जीते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होगी? आप बात को समझें। अच्छा फिर दूसरी तरफ आ जाए, आप देखें KPK में वहाँ पे मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने कहा है जी कि वहाँ पे कोई जो है ना रिजल्ट्स के इश्यूज हैं, बाकी जमातों ने कहा है, तो वहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है? PTI है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कुछ नहीं है, बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन हुए हैं, और आप देखें लोग बाहर निकले हैं, ये अपने वोटर्स को नहीं निकाल सके, अब सिर्फ शोर शराबे से ये काम चला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतिहास शेख साहब, क्या देखा आपने ज़िमनी इलेक्शन में? आप कहाँ थे, क्या देखा, क्या हुआ? मेरी ड्यूटी 149 में थी और 119 में थी। अच्छा, तो मैंने देखा क्या, मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ, दफ्तरों पे ऐसे पुलिस हमला करती थी जैसे कोई दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, मेरे साथ एक वाकया हुआ क्या? कि मैं 20-30 लोगों के साथ दफ्तर में बैठा हुआ 119 का, 300 पुलिस वाले आके उन्होंने दफ्तर को घेर लिया, 10-15 अंदर आ गए, अंदर आके मारना पीटना शुरू कर दिया। पूछा मैंने कौन अभी क्यों कर रहे हो ये, आप कौन है? MP और मुझे धक्के निकाल के जो है वो बाहर निकाल। आपने पुलिस वालों को बताया कि आप MP हैं? जी 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 मैंने बताया, तो उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि मुझे मारा नहीं है, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल। बाकी सबको मारा? बाकी सबको मार रहा है, लेकिन MP तो ये हुआ, तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने गोस्ट पोलिंग सेशन बनाए हुए थे, रिजल्ट कहीं और तैयार हो रहे थे, एक ड्रामे के लिए इन्होंने वो रखे हुए थे जो पोलिंग स्टेशन है। फार्म 45 तकरीबन लोगों से जो खवातीन वाली साइड थी उनको डरा धरमा कहा कि पहले साइन करवा लिए थे, 10-12 को तो हमने पकड़ा भी, और आपने देखा कि वो प्रिजाइडिंग अफसर ने बयान भी दे दिया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ऐसी कोई चीज़ जो इन्होंने पिछले 3 महीने 2 महीने में की हो, या पेट्रोल की कीमत जनाब सस्ती हो गई, बिजली की कीमत सस्ती हो गई, और जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो बिल्कुल ठीक हो गई, महंगाई की कीमतें जो है वो कम हो गई, GDP ऊपर चली गई, ऐसी कोई चीज़ हुई हो तो माना जाए कि जनाब पहले से ज़्यादा इनको वोट पड़ गए हैं, बल्कि ये बेचारों ने एक और गलतियां कर दी। गलतियों में वो क्या कि शहबाज शरीफ साहब को जितने वोट पड़े थे ना जनरल इलेक्शन में, हाँ जी, उससे डबल वोट एक वर्कर को पड़ गए। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को आप खुद रिटायर होकर उस वर्कर को चेयरमैन, यानी जो उनकी जगह अभी ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे थे उनको डबल वोट मिले। जी नहीं, तो मुस्लिम लीग नून के लोग तो कह रहे हैं कि भाई पॉपुलैरिटी का ये आलम है, सस्ती रोटी देना शुरू कर दी, निगेबान पैकेज दे दिया, लोगों के घरों पे चीज़ें मिलना शुरू हो गई, उसके बाद ये सारा माहौल बदला पूरे मुल्क का, और आप लोग अपना वोटर नहीं बाहर निकाल सके, ये है बयानी? बिल्कुल नहीं है। एक ज़िमनी इंतखाबात में 1% होती है वोटर की दोनों तरफ से डाउन जाती है। जी, ये एक दिलचस्प बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ नहीं होती जो उस वक्त होती है। तो लेकिन इसमें हमारा जो ट्रेंड है वो उसी तरह नीचे आया है, लेकिन इनका ट्रेंड जो डबल चला गया है, आपके वोट वहीं पे खड़े हैं और इनके ज़्यादा हो गए, क्योंकि एवन फील्ड के जो इन्होंने बेच के खजाने में पैसे जमा करा दिए, और शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा जो जितना भी अपने क्लर्कों शर्कों के अकाउंट से निकाल के वो भी खजाने में जमा करा दिया,
या आप तंजन कह रहे हैं, हकीकत से तो ताल्लुक नहीं है? नहीं, यही हुआ होगा ना जो लोगों ने वोट इनको दोबारा डाल दिया। अच्छा, कहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये ज़िमनी इलेक्शन, पिछले इलेक्शन, ये जो कॉल है कहाँ तक पहुँचेगी? कोई बड़ा जमे गफीर लाहौर में अब क्यों नहीं देखने को मिल रहा? बिकॉज यहाँ पे एक फस्ताइत है, एक जुल्म सितम और गैर कानूनीत की, लाकानूनीत की इंतहा है। बाकी आप जगह पे देखें, सब जगह पे निकला है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अनाउंस करूँ कि ये बाहर मैंने प्रोटेस्ट करना है, तो वर्कर से पहले पुलिस वहाँ पे पहुँची होगी, प्रिजनर मैंने पहुँची होगी, वो कैनन, वाटर कैनन पहुँची होगी, आंसू गैस लेके हज़ारों लोग खड़े होंगे। NA 119 में तो आपने बड़ा शानदार जलसा किया, सारे लोग आए, खिताब किया, सब आज़ाद नहीं थे मामला? नहीं, मरकजी क्या था तो मौजूद थे सारी जी, वो उमर अयूब साहब। लेकिन आपको पता है कि 4 बजे हमें उन्होंने अलाउ किया है ग्राउंड, और वो भी अदालत 6 बजे। अच्छा, अदालत ने कहा है कि 3 बजे आप इनके साथ बैठे, 4 बजे इन्होंने कहा जी हम ना जहाँ पे आप कहते हैं वहाँ पे किसी सूरत नहीं करने देंगे। अंदर जाके एक ग्राउंड हमें दी कि अब 2 घंटे रह गए तो ये कैसे जलसा करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा कि वहाँ भी जलसा भी ठीक ठाक हुआ। अवाम जो है वो बेताब है, अब अवाम तो इस तरह है कि वो खुद निकलने को तैयार खड़ी हुई है, जिस तरह की इन्होंने महंगाई और लाकानूनीत कायम कर दी है। और इस वक्त पंजाब के सदर और बाकी क़यादत कहाँ पर है? सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। पंजाब के सदर जो हैं आमादर साहब हैं, आपको पता है कि उनको ढूंढने में जिस तरह ये लगे हुए हैं, वो अपना जो काम है वो छुपकर भी जो है वो हमारे साथ रबते में। चलो, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन और फिर 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन, हलकों में क्या हुआ और अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ क्या सोचा जा रहा है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएँगे तो अराकीन असम्बली से बात करेंगे। वेलकम बैक। अराकीन असम्बली क्या सोच रहे हैं और अपोजिशन का जो एहतजाज है वो किस तरफ जाएगा, क्या कोई मौसर एहतजाज होगा या नहीं होगा? तो उज़्मा साहिबा, जब जब मरियम नवाज शरीफ बाहर जाती हैं, कोई काम करती हैं, आपके चेहरे पे एक रौनक, खुशी, इत्मीनान, क्या वजह है? इतनी मोहब्बत कैसे मरियम नवाज और उज़्मा कारदार के दरमियान कैसे आई इतनी मोहब्बत? देख लें, वो मेरी लीडर हैं और वो एक हमारा एक बाहमी ट्रस्ट का रिश्ता है आपस में। और जब वो बनी थी ना चीफ मिनिस्टर, तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा देखें मुझे तो पता है कि आपने किस तरह से डिलीवर करना है, क्योंकि मैं आपको पहचान गई हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं पता जो आपके बैठे हुए ना क्रिटिक्स यहाँ पे। तो कहती है ठीक है, फिर उनको ज़रा सरप्राइज़ देंगे, और वो रोज़ कोई ना कोई सरप्राइज़ दे रही हैं। और जो उन्होंने मेरे हर में 1.5 महीने में जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी गवर्नेंस है, वो खुद मुंह से बोल रही है। मेरे ख्याल में बुज़दार 3.5 साल में कुछ इतना नहीं कर सका जो उन्होंने 1.5 महीने में कर दिया, और अभी तो आगे देखें क्या होता है। बाप ने बुज़दार साहब का किस्सा छेड़ ही दिया है। तो वो आपको अपने पुराने कुलीग कुछ याद आते होंगे, एक आपकी आडियो उस वक्त निकली, आपने कहा साजिश भी हुई है मुसरत चीमा और बाकी ख़वातीन, वो किधर हैं आपके कुलीग और दोस्त वगैरह? आज कभी रब्ता हुआ, कभी उन्होंने कहा कि यार आपस में हो ही जाता है? देखिए, बात सर ये है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो फिर इन द एंड आप खुद ही उसमें गिर जाते हैं। मुसरत चीमा ने, वो सामने जो जगह नज़र आ रही है ना, जी जी जी, वहाँ पे उसने मेरी कब्र खोदी थी, वहाँ पे, हाँ, असेंबली के ग्राउंड में कब्र खोदी थी, और कहा था कि अब उज़्मा कारदार कभी यहाँ पे कदम नहीं रख सकेगी, इस असेंबली में दोबारा नहीं आ सकेगी, नहीं, और सियासत हमने इसकी ख़त्म कर दी है। अल्लाह ताला, देखे ना, सारी जो प्लानिंग है वो अल्लाह ताला की होती है, और अल्लाह ताला हक और सच जो है उसके साथ खड़े होते हैं, वो कभी जुल्म के साथ खड़े नहीं होते। ज़िमनी इलेक्शन में क्या देखा आपने, क्या वाकई नून लीग की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि अवाम ने निकल के दोबारा से ज़्यादा वोट कर दिए? देखें, आप पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े सुलझे और सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। उन्होंने मरियम नवाज की कारकर्दगी देखी है, उन्होंने देखा, देखो आते साथ ही 30 अरब का इन्होंने हमें रिलीफ पैकेज दिया, फिर हमारी रोटी 16 रुपए पे ले आई, फिर हमारी सड़कों की मरम्मतें शुरू हो गई, फिर हमारे BHQs की मरम्मतें शुरू हो गई, फिर हमारे यूथ को मोटरसाइकिल्स मिल रही हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, फिर उन्होंने जाके सेफ सिटी में वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाने शुरू, यानी कि उन्होंने इतना फलाई काम किया है कि लोग, उन लोगों को समझ आ गई है कि अगले 5 साल में तो ये हमारा सूबा मिसाली सूबा बन जाएगा। एक तो नंबर 1 ये बात थी,
नंबर दो बात है कि ये अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे हैं, इनके वोटर्स मायूस हो गए। क्या वजह? वजह ये है कि ये जुबानी कलामी जो है बात करते हैं, इनका बयानिया पिट गया है, लोगों को पता चल गया है कि ये सिर्फ इंतजार की सियासत करते हैं। पाकिस्तान जब भी एक इकोनॉमिकली स्टेबल होने की तरफ बढ़ता है, अब सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया, ईरानी प्रेसिडेंट आए, तो इनको इशू हो जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्या चूरन बेचेंगे जाके लोगों को। तो लोगों को पता चल गया है कि ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, ये जब भी पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है ये इसको श्रीलंका बनाने की कोशिशें तेज़ कर तो देते। पाकिस्तान में अगर किसी भी वक्त इलेक्शन हो जाए तो आपकी जो बातें बता रही हैं इससे तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान कराची हर जगह पर जीत जाएगी मुस्लिम लीग। देखें, हमारे लिए कोई आसान चैलेंज नहीं है, ख़ास तौर पे सेंटर में बहुत बड़े बड़े हमारे पहाड़ जितने बड़े चैलेंजेस हैं। 500 अरब की तो हमारी बिजली चोरी होती है, और फिर हमारे जो खसारे हैं जो PIA टाइप के 825 अरब का खसारा है, कोई आसान काम नहीं है कि मुल्क में आप इस तरह से बगैर आप जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी हमारा निज़ाम। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम एक सदके दिल से नेक नियति के साथ पंजाब में भी और सेंटर में भी आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और वो आपके सामने है कि अपनी कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई अपना मुफाद नहीं है, सिर्फ आवाम की खुशहाली और फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश। इस तरह की बातें क्यों होती हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है कि शुक्र है वज़ीर दाखिला ही बन गए, वज़ीर आज़म नहीं बन पाए, पार्टी के पंजाब के सदर भी ये कह रहे हों और भी लोग ये कह रहे हों, क्या वजह है? मोहसिन नकवी से क्यों खाइफ है मुस्लिम लीग नून? वो नहीं नहीं मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खाइफ नहीं है। मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी उन्होंने काम वगैरह करवाए हैं, तो काम करवाने वाला जो बंदा होता है उसकी कदर करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने भी उनकी कदर की, नून को भी कदर करनी चाहिए। नहीं तो इसीलिए तो हम उनको लेके आए हैं वज़ीर दाखिला। हाँ, मुस्लिम लीग नून की वजह से वज़ीर दाखिला बने मोहसिन नकवी? जाहिर है उनके सेनेटर की सीट पे आए हैं और फिर वज़ीर दाखिला बने, तो नून की सीट पे ही आए हैं। इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे किसी टाइम पर? अरे भाई, वो हमारी कैबिनेट में है। नहीं, मुस्लिम लीग नून में नहीं है ना, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं और से आए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपका क्या, आपके ऊपर तनकीद हुई, माल्टन क्लब का मामला हुआ, वो सब सेटल हो गया, आपकी चीज़ें मिल गई, सुना आपकी तो कीमती मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 5-6 लाख का। 5-6 लाख? तो आप वहाँ पे गई तो चीज़ें आपके पास थी? वो मेरे पास थी, मेरे बटवे में थी, फिर मैंने उन्होंने लॉकर की चाबी दी, मैंने उस लॉकर में बंद कर दी और उसको लॉक कर दिया, तो लॉक्ड लॉकर के अंदर से ये चीज़ें चोरी हुई। यानी वो गोल्ड और जो आपकी कीमती चीज़ें थी वो लॉकर के अंदर से चोरी? और फिर और भी बहुत सारे लोग सामने आए हैं मेंबर्स, उनकी भी इसी तरह से बंद लॉकर्स में से चोरी होती। वो लोग तो पकड़े गए, पुलिस उनको लेके भी गई, लेकिन उसके नहीं, वो कहाँ पकड़े गए? अभी तो देखें तफ्तीश हो रही है, अभी मैंने FIR करवाई थी, अभी तफ्तीश हो रही है, इन्होंने प्री अरेस्ट बेल्स भी अभी नहीं कराई हैं, तो वो अगर हम तो कानून के मुताबिक करेंगे ना। मैंने तो सबसे पहले 15 को फ़ोन किया था, मैंने कोई किसी ऊपर कोई किसी IG वगैरह को फ़ोन नहीं किया। वहाँ पे तो बड़े इल्ज़ाम लगे गए जी, लड़कियों को पता नहीं बरहना कर दिया गया, ये हो गया, ये सारे बगैर सबूत के, ये सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई सबूत है? अगर कोई सबूत है तो दे दें, कोई सबूत नहीं। ये इंतज़ामिया ने अपनी गर्दन बचाने के लिए इन लोगों पे सारा इल्ज़ाम डलवाया था, खुद ही इन्होंने इसको सर्च बॉडी सर्च किया था, इनकी अपनी रिसेप्शनिस्ट खुद ही किया था। बिल्कुल, पुलिस तो बाद में आई है, पुलिस तो बहुत बाद में आई है। तो आपका अभी तक मिला कुछ नहीं है? लेकिन कुछ आप हुकूमती रुकन है, पंजाब पुलिस आपके पास है, अब चीज़ें निकलवाएं? नहीं, देखें बात सारी, मैं एक सिर्फ पाकिस्तान की मैं शहरी हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती हूँ, हमारी CM साहिबा मेरिट में बिलीव करती हैं, तो जो सहूलत किसी भी और पाकिस्तानी को कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक मेरा केस भी आगे चलेगा, और वो चल रहा है। जो हमारे SHO हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो इस केस में हैं, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, वो नोटिसेस भेज रहे हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं, ये आ ही नहीं रहे हैं, PRS बेस भी नहीं करा रहे हैं और आ भी नहीं रहे हैं, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है। तो ठीक है, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा ना फिर। बहुत शुक्रिया। तो जो सब ज़िमनी इलेक्शन में आपने क्या देखा, सब स्मूथ रहा है, सब ठीक रहा है? ये जो शिकायत आ रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं, तो इस दावे को कहाँ तक देखो? वो एहतजाज करेंगे, देखिए जब कोई गवर्नमेंट आप करने नहीं देंगे? नहीं, उनके पास अब सिटी पावर वो नहीं है। जनरल इलेक्शन में जो होता है
वो लोगों को पता होता है कि गवर्नमेंट बदल जानी है। अब वो शख्स खुर्दा है, उन्हें पता है कि हम जनरल इलेक्शन भी लूज कर गए और ये इलेक्शन तो अब होता ही। आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, अभी नई नई गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंटों का होता है, तो लोग देखते हैं कि हमारे काम होंगे, हमारी डेवलपमेंट होगी, इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने वोट नून लीग को दिया। लोगों ने क्या कोई इसके पीछे कोई और फैक्टर बताया ना लोगों को मुतमिन करें कि जी हमने निगेबान पैकेज दिया था उससे लोग बड़े मुतासर हुए, हमने कुछ सस्ती रोटी दी है लोग बड़े मुतासर हैं हमारे से? नहीं नहीं, मैं ऐसी बात वो नहीं करता कि जिससे कोई मुतासर हो। लोगों की तवक्कात होती है कि गवर्नमेंट बन गई है, ये चलेगी और डेवलपमेंट इन्हीं के ज़रिए हो सकती है। वो अपोजिशन को वोट कौन देता है आप बताएं, किसी इलाके में मिलते हैं आपको? तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, डस्का में वोट बढ़ गए थे? नहीं, उस वक्त बिल्कुल इलेक्शन करीब करीब आ गए थे, अभी तो स्टार्ट है गवर्नमेंट का, अभी तो दो माह तो आप कह रहे हैं कि आवाम के पास चॉइस ही नहीं होती इसके अलावा आगे गवर्नमेंट? स्टार्ट में शुरू में जब नए इलेक्शन हो के हटे हों तो जो उनके ज़िमनी इलेक्शन होते हैं सबका रिकॉर्ड देख, किसी किस्म का कोई बड़ा एहतजाज नहीं देख रहे कि तरीके इंसाफ की तहरीक आ गई है? मैं नहीं समझता कि कोई एहतजाज हो और इस हुकूमत को सत्ती खैर है, कोई कोई मसला नहीं। ये इत्मीनान जो आपके चेहरे पे है ना, किसी और चेहरे पे नहीं देखा मैंने। मसले हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं, गंदम का बहुत बड़ा इशू, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के 80% लोग इससे वाबस्ता हैं, वो बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। मैं हमारे इलाकों में हम देहाती हल्कों से कामयाब हुए हैं, हम खुद उस मुसीबत को उस परेशानी को फेस कर रहे हैं और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी गंदम की खरीदार बढ़ानी चाहिए और उनसे दाना दाना खरीदना चाहिए, जो हमारा नारा था कि हम दाना दाना खरीदेंगे, ज़िम्मेदार से खरीदना चाहिए। ज़िम्मेदार इस सारे क्राइसिस का कौन ज़िम्मेदार है? कहीं लोगों ने तो ये भी कहा कि निगरान हुकूमत को भी चेक करना चाहिए। ये निगरान गवर्नमेंट नहीं की है, वो ज़िम्मेदार है, वो बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं। और इसके जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जब पता था कि हमारी क्रॉप आ रही है तो अभी जहाज़ कह रहे हैं खड़े हैं समंदर में, हमें गंदम मंगाने की ज़रूरत क्या थी? ये तो होती है दिसंबर में, अगर आपने गंदम मंगानी है ये जाके अगस्त अक्टूबर में गंदम मंगाई जाती है, अपना ज़खीरा देख के, अपने गोदाम देख के, गोदाम भी भरे हुए हैं, जहाज़ भी आए खड़े हैं और ज़िम्मेदार बेचारा रुल जाएगा। मैं तो समझता हूँ इतना इतना बड़ा क्राइसिस हो जाए जब सूबे में, तो आप लोग तो जिम्मेदार किसी ना किसी को बनाएंगे, किसी ना किसी को सामने लाएंगे? नहीं, जो हैं उनको सामने लेके आएंगे, उनको लेके आना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब भी जिम्मेदार है तो उनको सामने लाएंगे आप? नहीं देखिए, ये फूड डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, अगर फूड ने ये मंगाए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए था कि भाई हमारे पास तो ज़खीरा पहले मौजूद है, हम क्यों मंगा रहे हैं, किस वजह से मंगाई गई है। वो गंदम का बिल्कुल इसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा क्राइसिस आपके, देखें ज़िम्मेदार ने तमाम हमारा जो देही हल्का है वहाँ ज़िम्मेदारों ने यही रखा होता है कि खरीफ पे और रबी पे बच्चों की शादियाँ हैं, घर बनाना है, प्लाट खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, उनकी तमाम तवक्कात इन दो मौसमों में होती हैं। ये मौसम उनका ज़ाया हो जाए तो अगले में वो कैसे, वो तो इस क्राइसिस के ही फिर वो अपने कर्जे उतारेंगे। और जिस रेट पर उन्हें गन्ना वो खाद मिली है, जिस रेट पर उन्हें दवाइयाँ मिली हैं, जिस रेट में उन्हें डीजल मिला है, वो तो मर जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उनके, अगर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो गंदम बीजेगा कौन? पांचवी मरतबा आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं? सब उसी तरह ही हैं? कुछ लोगों के कहते हैं जी इत्मीनान नहीं है मुस्लिम लीग नून में, तो सब आपने ठीक देखा कि कहीं पर कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं, देखें नई चीफ मिनिस्टर है, बड़ी पोटेंशियल है, वो काम करना चाह रही हैं, लेकिन हालात बड़े टफ मिले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता काबू पा जाएंगे। आपको पता है कि शुरू में जो हालात होते हैं वो कुछ और होते हैं। आप क्या मशवरा देते हैं नई चीफ मिनिस्टर को कि यार ये एक काम, अगर आप दो काम फोकस कर लें तो हुकूमत, हम यही कहेंगे कि गंदम के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। किसान जो है वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत, हम तो डरते अपने इलाकों में नहीं जा रहे कि भाई ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। वो आगे से बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं जी, बहुत रिएक्ट हो रहा है। और ये इसका फर्क, हमें इस दफ़ा ज़्यादा देहाती हल्कों से वोट मिला है, हमें हमारी जो सिटी एरिए थे ना वहाँ से हमने लूज किया। और आपको देहातों में वोट पड़ा? देहातों में हमें वोट बहुत मिला और उसी वही वोट बैंक है, क्राइसिस में है इस वक्त। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी को देखना चाहिए वोट बैंक हमारा किधर से था इस दफ़ा और उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन और फिर 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन, हलकों में क्या हुआ और अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ क्या सोचा जा रहा है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अराकीन असेंबली से बात करेंगे।
बैक, अरकान असम्बली क्या सोच रहे हैं और अपोजिशन का जो एहतजाज है वो किस तरफ जाएगा, क्या कोई मौसर एहतजाज होगा या नहीं होगा? तो ताशमीन साहिबा, क्या देखा इन ज़िमनी इलेक्शन में, सब ठीक था? मैंने ये देखा कि अभी जिस तरह से कि एक ख़ास पार्टी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है, प्रैक्टिकली जब ग्राउंड में मैंने देखा तो इस दफ़ा वो वोटर नहीं निकला, जोश और खरोश नहीं था वोटर, वो वोटर नहीं निकला, बल्कि टर्न आउट ही बहुत कम था। क्या वजह? वजह उसकी बहुत सारी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन जनरल इलेक्शन, मे बी मेरी अपनी ओपिनियन है। तो अब जब वो वोटर आया ही नहीं है बाहर, और जो नून का वोटर है वो मैंने देखा है, और बाकी गुजरात में मैंने काफ लीग को देखा है। तो ये गुजरात को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, तो ऐसा क्या हुआ कि परवेज़ लाई जहाँ से दहाइयों से जीत रहे थे वहाँ पे एकदम मूसा लाई की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि लीड ही पकड़ी नहीं जा रही थी, ऐसा क्या हुआ, मूसा लाई का जादू कैसे चला? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे जो इलाके में लोग होते हैं ना, उनका एक माइंडसेट होता है और वो ये देखते हैं कि हमें कहाँ वोट डालने से फ़ायदा होगा। ठीक है, एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं काबिले एहतराम हैं, लेकिन उनके जितने काम थे या जो एफर्ट थी वो अपनी पार्टी और अपनी फैमिली में रहते हुए बहुत ज़्यादा सराही जाती थी। तो जब अनफॉर्चुनेटली जब डिवीज़न आता है तो उसका भी फैमिली में डिवीज़न हुआ, फैमिली में हुआ, पार्टी में हुआ, क्योंकि वो जिस प्लेटफॉर्म से परफॉर्म कर रहे थे, इतने अरसे से पूरी लाइफ परफॉर्म कर रहे थे, और जो डिलीवर किया उन्होंने वो क्यों के प्लेटफॉर्म से किया, तो सडनली जब आइडेंटिटी जब आप अपनी चेंज करते हैं तो वो भी एक फैक्टर। तो लोगों को ट्रैक्टर याद था, मुस्लिम लीग काफ़ याद थी, शायद इसलिए वोट उस तरफ नहीं जा सका। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि पार्टी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो हमारा इलाका है वहाँ ताल्लुकात बेस्ड चीज़ें होती हैं, वहाँ रिलेशंस होते हैं, वहाँ पे लोगों को चीज़ें याद रह रही होती हैं। अगर काफ लीग की तरफ से या शुजात साहब की तरफ से किसी का भला हुआ है तो उसकी नस्लें भी उनके साथ चलेंगी। बिल्कुल ठीक, दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ पर तो देखा कि आबिद रज़ा कोटला हूँ या सुमेरा लाई हूँ, कैसा लाई हूँ, वो सभी कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, DC DPO सारा कुछ, और मोहसिन नकवी साहब अभी तक मुस्लिम लीग कहाँ पे मेहरबान है। देखें, आप भी इधर ही रहते हैं, मैं भी इधर ही रहती हूँ, ये हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशन है, जो भी हार जाता है वो कभी हार नहीं मानता। मैं भी PTI में रही हूँ, आप ये देखें कि हमने कब हार मानी है, जब PTI में थे तो भी हम 2014 से धरने दे रहे हैं, कौन हार मानता है? तो आप कह रहे हैं कि ये एक रवायत है, ये रवायत है, तो आपने जिस भी पार्टी में हो तो उस पार्टी में एक रवायत है कि अगर हम हार गए मानना नहीं मानना। तो अभी भी ये हुआ, अभी भी यही हुआ, लेकिन आप इलेक्शन सही जीते, इलेक्शन बिल्कुल 100%। ठीक, आशफा साहिबा, क्या हालात इन ज़िमनी इलेक्शन में, क्या देखा आपने, सब ठीक रहा, कहीं पे कोई धांधली हुई? मेरा ख्याल है कि ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि धांधली के इतने वाज़े सबूत सामने होने के बावजूद, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मेरे साथ जो मेरे कुलीग हैं जिनके मुल्हक्का हलकों में वो लोग बाकायदा, उनके पास वीडियोज़ हैं, क्योंकि ऑन दी फ्लोर हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि सबूत लेकर आएँ, तो सबूत हमारे पास हैं, और परसों इसके ऊपर खड़े होकर बाकायदा हमारी PTI के तमाम लोगों ने, हम लोगों ने खड़ा होकर एहतजाज किया और हमने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, आप देखें, आपने सबूत मांगे थे, और रिगिंग के वाज़े सबूत होने के बावजूद जो दीदा दिलेरी से हमारी हुकूमत जिस तरह से मैंडेट ले रही है, मेरे ख्याल में लम्हा फिक्री है। तो आप लोग तो एहतजाज करने जा रहे हैं, बड़ा कोई एहतजाज देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ तो वो जमात है तो चार हलकों की बात हो तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तो हमारा यही है इरादा कि भरपूर तरीके से जिस तरह से क़यादत की तरफ से हदायत आ रही हैं उसके मुताबिक अपने हलकों में हम लोग भरपूर तरीके से इसमें। अब तो कोई परेशानी नहीं है ऐसी कि लोगों को गिरफ्तारियाँ दोबारा से हो रही हैं? इन्होंने हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे हमारे जो मेम्बर्स हैं उनके घरों पर डेरों पर रात को रेड किए गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, यही जानते हैं आप तो खुद मुकाबला करके जीत के आई हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? मैनेज क्या करना था, हमारे घर तोड़े गए हैं, हमारे मेरे ऊपर भी इस वक्त भी केसेस हैं, रियाज साहब के ऊपर भी केसेस हैं, हमारे घर तोड़े गए हैं, हमें रेड किए गए हैं, जीतने के बाद भी रेड किया गया है। अच्छा, आपके बेटे के वाले से आई कि उन्होंने वहाँ पे जाके फैसलाबाद में किसी और को सपोर्ट किया? नहीं, इस तरह से नहीं है, उसका अपना हलका है और वो इंडिपेंडेंट था,
उसको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था, वो इंडिपेंडेंट है, उसके हलके का अपना सिनेरियो है, वहाँ के हलके के लोगों की डिमांड के मुताबिक उसने चलना है। तो यानी वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है? वो तरीके इंसाफ से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट। आप रियाज साहब? मैं तरीके इंसाफ, वो इंडिपेंडेंट है, वो जहाँ से चाहे फैसला। आप लोगों ने भी मना नहीं किया? वो इंडिपेंडेंट बालिग है। बालिग है तो आपने कहा बेटा आप अपना फैसला खुद लो, वो अपना अपनी आवाम के मुताबिक चले। जहाँ देखिए अब मेरा अपना हलका है, मेरे हलके के लोग जिस तरह से मुझे कहेंगे मैं वैसे चलूँ। तो उसका सियासी मुर्शिद तो रियाज फतेहानी ही है ना, आप भी मेंटोर हैं, आपसे भी तो मशवरे लेते होंगे ना? मशवरे अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट देखिए फिजा में जब उड़ना है ना अपने परों से उड़ना है। आप ये कहती हैं बच्चों? बिल्कुल अपने परों, दिल करता है करो, अपने परों पर उड़ना है, उस वक्त सारे नहीं चलते। बहुत थैंक यू। राहिला खादिम हुसैन साहिबा, क्या देखा इन ज़िमनी इलेक्शन में? सब ठीक था? इंतखाबी धांधली की बड़ी शिकायत आई। देखिए ये तो पाकिस्तान की एक रवायत बन चुकी है, जो हार जाता है वो धांधली की शिकायत ज़रूर करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, जिसका देखिए लोगों ने खुद एतमाद का इजहार कर दिया, लाखों की तादाद में लोगों ने हमें वोट दिया है, मुस्लिम लीग ने उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो इंडोर्स किया है। तो मेरा ख्याल है आवाम समझ गई है कि PMLN जो है उसके साथ 2018 में ज़्यादती की गई थी, आज जब वो दोबारा इकतदार में है तो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी हमारे पे भरपूर एतमाद किया, हम आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। ये ऐसा क्या हुआ यानी 8 फरवरी को जो वोट पड़े वो उस तनासब से कम है और अब ज़्यादा है? मैं इसमें एक बात बता दूँ फारूक के, ना हमारे कैंडिडेट उस वक्त थोड़े रिलैक्स थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी अपनी तंजीम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है, जिसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, इस दफा आप लोगों ने सोचा कि भाई रिलैक्स नहीं रहना? बिल्कुल, पहले क्यों रिलैक्स थे वैसे? रिलैक्सिंग मूड में थे शायद हमारे कैंडिडेट, और वो जो बात करते हैं कि भाई गल हो गई शायद उस मामले में। नहीं नहीं, गल नहीं हो गई। रिलैक्सिंग मूड का मतलब ये होता है कि इलेक्शंस में आपको पॉजिटिव हर चीज़ नज़र आ रही होती है, तो इलेक्शन डे पे आप उस तरह से मेहनत नहीं। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जब आमद हुई वो कबूतर उड़े, लोग आए, तो शायद उनको ये लगा कि अब पूरी आवाम तो अब नवाज शरीफ की वोट करेगी शायद इसलिए। हाँ, ये भी एक फैक्टर मौजूद था कि, लेकिन मैंने आपसे फिर भी यही कहा कि ये कैंडिडेट के ऊपर बेस करता था सारी बात, इलेक्शन डे को किस तरह से वो अपने वोटर्स को पहुंचाते हैं। आपने 119 में थी, कहाँ पे थी आप? जी, मैं कसूर में इलेक्शन लड़ रही थी, रशीद खान साहब। ओहो, बहुत अहम सीट पे आप वहाँ पे जाके कैंपेन कर रही थी, माशाल्लाह जी। तो वहाँ पर तो शेर अफजल मरवत का बहुत बड़ा जलसा हुआ और वोट जब निकले हैं तो उनके वोट ही नहीं मिले तरीके इंसाफ के। एक जलसा कर लेने से आप अपनी पॉपुलैरिटी का पैमाना नहीं नाप सकते। दिन रात वहाँ पर मेहनत की गई, वोटर्स को जो है वो कन्विंस किया गया, और माशाल्लाह से रशीद खान से 1,30,000 के करीब कहीं वोट लिया, तो ये आवाम की और उस दिन उस कैंडिडेट की PMLN की बहुत बड़ी जीत। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी परेशानी का मामला रहा के तरीके इंसाफ के उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, जितनी भी उनकी इस वक्त बाहर क़यादत मौजूद थी वो सब जलसे कर रही थी, और मुस्लिम लीग नून के लोग आराम से बैठे हुए थे, ना नवाज शरीफ साहब कहीं, ना हमजा साहब चले, शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा तो चलो ओहदों पर हैं, ये दोनों अफराद तो कहीं पे भी जा सकते थे, जलसा भी हो सकता था। राना सनाउल्ला साहब फ्री हैं आजकल, पूरम दस्तगीर साहब फ्री हैं, साद रफीक साहब। इलेक्शंस जो हैं ये टोटली बेस्ड कर रहे होते हैं कि आपकी तंजीमें कैसे PMLN की काम कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने कैंडिडेट का फैसला किया, टिकट्स खुद दी, हर वक्त रबते में भी रहते हैं, और हमारी तंजीम ने इस दफ़ा बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। हमारे कारकुनान ने बहुत अच्छा काम किया, कैंडिडेट ने फुल मेहनत की, मियां नवाज शरीफ साहब की उनको आशीर्वाद हासिल थी, और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब। आपकी कामयाबी का क्या राज है? आप तीसरी मरतबा में खल असम्बली में पहुँच, चौथी सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आपकी जो टीम है वो भी पहुँच गई है असम्बली में, माशाल्लाह बाबा फैबलोस खड़े हैं हमारे साथ। ऑर्गेनाइज़र रही मरियम नवाज साहबा का, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, मिनॉरिटी की टीम पूरी माशाल्लाह अपनी मेहनत के साथ आज असम्बलियों के अंदर मौजूद है, तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी का मकाम है। जनाब बहुत शुक्रिया। आप तो चंद उन लोगों में से हैं जिनको सालों बाद मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इस असम्बली में पहुँचने का मौका मिला, क्या आपके क्या ऐसा मुख्तलिफ करना चाह रही हैं इस मरतबा? मैं पहले तो अपनी पार्टी की मशहूर हूँ कि उन्होंने वर्कर को इज़्ज़त दी, मैं मोहतरमा मरवियन नवाज साहबा ने, और मैंने करारदाद जमा करवाई थी बाबा फरीद के हवाले से, यूनिवर्सिटी हमारे पाकपतन में नहीं है, हर जगह पे उधर वाले पंजाब में देखे तो बाबा फरीद के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। मैं हम लोगों का ये ख्वाब था कि पाकपतन में जब भी कभी मौका मिला, पहले हम लोग करते रहे अपनी एफर्ट, लेकिन हमारी आवाज़ असम्बली तक नहीं पहुँच सकी। अब मैंने एक इरादा जमा करवाई जो मेरी मंजूर हो गई है,
मैं इस पे अपनी पार्टी की मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पे काम भी जल्दी हो जाएगा। सब ठीक है, आप तो ग्राउंड पे काम करती हैं जी, बिल्कुल। तो लोग क्या बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, नाराज़ हैं या क्या देख रहे हैं? मैं अपने शहर के हवाले से बात करूंगी, ज़िले के बाद कि पहले नंबर पे तो वो खुश थे कि मैं एक वर्कर को इज़्ज़त मिली, कि मुझे 25 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रही हूँ, 93 से हम लोगों ने आगाज़ किया सियासत का। लोग खुश हैं कि पहले वर्कर को इज़्ज़त मिली, दूसरा ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाला काम किया असम्बली ने, हमारी लीडरशिप ने, इस पर बहुत खुश है लोग। और मैं देख रही हूँ कि हमारा जो शहर है, हमारी जो सिटी है, जब ये यूनिवर्सिटी अपना मुकम्मल होगी, उससे बेरोज़गारी और बच्चों में एजुकेशन, जो बच्चियां यहां पे आके नहीं पढ़ सकती उनके लिए ये अच्छी सहूलत होगी, तो इसलिए लोग बहुत खुश हैं। किसान मुतमिन है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से? जी देखें, बहुत सारे मसाइल होते हैं बेटा जो टाइम से हल होंगे, खुश भी हैं और नाराज भी हैं, इंशाल्लाह वो मैडम कर रही हैं जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन और फिर 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन, हलकों में क्या हुआ और अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ क्या सोचा जा रहा है? एक शॉर्ट में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अराकीन असेंबली से बात करेंगे। वेलकम बैक। अराकीन असेंबली क्या सोच रहे हैं और अपोजिशन का जो एहतजाज है वो किस तरफ जाएगा, क्या कोई मौसर एहतजाज होगा या नहीं होगा, क्या इन ज़िमनी इलेक्शन में क्या देखा आपने, सब ठीक रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह से आपने सवाल पूछा है और जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बिल्कुल जाहिर कर रही है। वो तो आपको देख के मुस्कुराया हूँ। नहीं जी, पूरे पाकिस्तान को, अब तो बुद्धुओं को भी पता है कि ये बिल्कुल लगे हुए। अच्छा। और इंशाल्लाह इससे जो हम चाहते थे ये हमारा काम आसान कर रहे हैं और पूरी कौम को ये बात बता रहे हैं कि हमें किसी आइन की, किसी कानून का कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चलेगा इंशाल्लाह अज़ीज। बहुत जल्द आवाम अब समझ भी गई है, अभी पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही कि लोगों के सामने बिल्कुल लंगे हो चुके हैं। ठीक है, हम और इंतज़ार करेंगे और जितनी देर हम इंतज़ार करेंगे उतना ही इनका मुकद्दर बुरा। आप लोग क्या सोचते हैं, खान साहब के ऊपर दर्जनों केसेज हैं और उनकी वापसी के क्या इम्कान हैं, आप लोगों के हौसले किस तरह से बरकरार रखते हैं, क्या करते हैं, आपस में क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, मैं उन लोगों में से हूँ जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया। अगर मैं उतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये अंदर रहना और किसी के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म होना, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इंशाल्लाह अज़ीज़, हम फतह हमेशा हक की होती है और इंशाल्लाह खान और हम सब लोग सुरखुरु। खुद भी आपने सर्व किया? मैंने फौज में सर्व किया हुआ है, मेरा बेटा जो शहीद हुआ है जिसको धमाके में उड़ा दिया गया वो भी फौज में सर्व कर चुका था। तो यानी दो नस्लें तो हो गई, ठीक है, क्योंकि तो हमारी तो तीन चार नस्लें हो गई। तो क्या कभी मुल्क के हालात के ऊपर बड़े आप रंजीदा हुए हों तो आपने किसी को खतो खताबत की है कि जनाब ये क्या हो रहा है, आपके इदारे पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस इदारे में आपने सर्व किया हो, जहाँ से बच्चा शहीद हुआ हो उस इदारे पे भी इल्ज़ाम आते हैं और वो कह रहे हैं ये हुकूमत की पुश्तूनाई पे तो वही लोग हैं ना? देखिए, अदारा कभी भी किसी के पीछे नहीं होता, नहीं होता, ये चंद लोग होते हैं। अदारा पाक फौज हमने सर्व किया हुआ है, पाक फौज हमारी है, पाक फौज होगी तो पाकिस्तान होगा, बिल्कुल, और पाकिस्तान होगा तो पाक फौज होगी, लेकिन चंद लोग किसी मुफाद की खातर अगर इस तरह के हरकतें करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी उनका अदारा ही उनको इंशाल्लाह किसी दिन साठ रुपए। आपका कभी दिल किया है कि लिखूं मैं आर्मी चीफ को कि ये खान साहब के साथ मामला नाराज़गी छोड़ दें, आगे बढ़ें? अब तो बातें हो रही हैं कि अडयाला जेल के जो हैं उनके साथ कोई हाथ बढ़ाया जाए। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं इस तरह के रबतों का कायल नहीं हूँ, नहीं मैं ये समझता हूँ कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, इंशाल्लाह फतह। तो बात फिर किससे करेंगे आप? हमने खान साहब तो कहते हैं कि ये भी चोर है वो भी चोर है, तो हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने हमेशा सिर्फ अदलिया से बात करनी है, अदलिया इंसाफ करे। तो सर, इस वक्त ना कोई इत्तेजाद बहुत बड़ा कर पा रहे हैं, ना कोई इस तरह से लात है, ना बात करनी है, तो फिर मसला तो वहीं बैठ जाएगा, पाकिस्तान वहीं पर खड़ा होगा। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि इत्तेजाद बिल आकर कभी लावा फटता है। अच्छा,
और जब लावा फटता है तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को जो इस वक्त जिम्मेदार पोजीशन पे हैं उन्हें होश के नाकर लेने चाहिए और उन्हें उस हद तक लोगों को नहीं ले जाना चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी नहीं ले जाए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वो खान साहब, ज़िमनी इलेक्शन में क्या देखा? ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ मरियम नवाज़ देखी। मरियम नवाज़ देखी, सिर्फ एक एक अच्छा। ही नाम, एक ही नाम। चूँकि इन दो माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर चार सूबे हैं, चार सूबाई हुकूमतें, चार चीफ मिनिस्टर हैं। इन दो माह में ईमानदारी से मैं हर पाकिस्तानी से सवाल करता हूँ, कौन सी हुकूमत काम करती नज़र आई इन दो माह में, और कौन सा चीफ मिनिस्टर आपको आवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए मुतहरक नज़र आया? इसका जवाब ईमानदारी से हर पाकिस्तानी से मुझे चाहिए, और पंजाब के आवाम ने इसका जवाब दिया है 21 अप्रैल को। आप ये कह रहे हैं कि जो 21 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है, 8 फरवरी के बाद चूँकि आपकी हुकूमत आई तो मरियम नवाज़ साहबा ने इतने इकदाम कर दिए कि उसके बाद लोगों ने जो नाराज़ भी थे उन्होंने भी आपको वोट करना शुरू किया। हमारा वोटर निकला है। अच्छा। जो हो सकता है, हमारा ख्याल है 8 फरवरी को उस तरह से नहीं निकला। अच्छा। 21 को हमारा वोटर निकला है, और दूसरा तजिया ये भी है लोगों का कि PTI का वोटर उस तरह से नहीं निकला। क्या वजह? उस मेरा ख्याल मायूसी इमरान खान की जो हिकमत अमली है उससे भी पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और PTI के अंदर भी इस हवाले से आवाज़ें भी उठ रही हैं, और आप देख रहे होंगे कि वहाँ अब यकसुई नहीं है उस पार्टी। इतनी शानदार कामयाबी के बाद जो मुस्लिम लीग नून को मिली है, उसके बाद राणा सनाउल्ला के इस्तीफे की डिमांड आ गई। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा इस्तीफ़ा दें पंजाब के सदर के तौर पे, और राणा सनाउल्ला कह रहे हैं कि राणा तनवीर और जावेद लतीफ़ ये टिकटों के ऊपर लड़ रहे हैं, ये इशू जल्द हल हो जाएंगे। ये आपने वैसे दुरुस्त निशानदेही की है कि ये पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तलाफात को इस हद तक जाना ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इन सब पार्टी के दोस्तों को बिठाना चाहिए और एक डिसिप्लिन दिलाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर दोबारा से बनने जा रहे हैं? इसके बारे में मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एज आ मुस्लिम लीगी वर्कर मेरी ख्वाहिश है कि वो सदर बने। आपकी ख्वाहिश है कि वो सदर बने, और अभी तो कारकुनों से वो मिले नहीं हैं, इलेक्शन के बाद कोई ऐसा मौका नहीं आया, कोई माहौल नहीं बना? अभी टाइम थोड़ा है। उन्होंने जो हम जो पहले सवाल का जो जवाब दिया मैंने जी, मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ मियां नवाज शरीफ का है, तो वो उस हवाले से उन्होंने अपनी मसरूफियत रखी पंजाब हुकूमत को मरियम नवाज साहबा को गाइडलाइन देने के हवाले से। मेरा ख्याल है अगर मेरी ख्वाहिश पे, जैसे मैंने कहा, अगर वो सदर का उदा संभाल लें तो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा वर्करों को मिलने का, पार्टी तंजीम को दुरुस्त करने का, मुस्तकबिल की पार्टी की हिकमत अमली को मरतब करने का उनके पास ज़्यादा वक्त होगा। इसीलिए मैंने ये जो शिकायत हैं कि जी वज़ीर आला हाउस के जो दरवाज़े क्या खिड़कियाँ भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए नहीं खुल रहे, ये दुरुस्त है अपनी जगह? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा। लोग जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने भी फील की है, चूँकि मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ कि अभी उस तरह से पार्टी के दरवाज़े पंजाब हुकूमत पे जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के दौर में कभी होते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी नहीं खुले। और उसमें मरियम नवाज साहबा तो जब भी कोई मीटिंग होती है दिल से इसका इजहार करती हैं कि वो पार्टी के स्ट्रीट वर्कर से लेके MP MNA तक वो साथ लेके चलना चाहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी कुछ उसमें शायद कुछ जवाज़ बनाती हो, ये पाकिस्तान की रवायत है। नून की लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान में कारकुन पिस रहा है। ये किसी हद तक ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। छछर साहब, चौधरी साहब भी मौजूद हैं, आप सियालकोट से हैं, आप उकाड़ा से, और क्या देखा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को, क्या हुआ इतनी ज़्यादा अचानक, कैसे हो गई 8 फरवरी के बाद कि सारे इलेक्शन जीत गए हैं? देखिए, इस पर एक मैं तो बात करूँगा कि भी ज़िमनी इलेक्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इनके कायदीन ने और हमारी लीडरशिप ने, और बिलखसूस जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह कंपेन करनी चाहिए थी और वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए था उस तरह उन्होंने अट्रैक्ट किया है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जोश और जज्बे से निकला है, और PTI का वोटर वोट्स कास्ट करने के लिए नहीं आया, जो असल वजह है मेरे नज़दीक। तो देखें, अगर मैं ये कहूँ
कि जनरल इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ के साथ धांधली हुई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत और प्री प्लांट साजिश के तहत उनको रास्ते से हटाया गया, तो ये गलत नहीं होगा। क्या बातें कर रहे हैं आप चचर साहब? ये पूरी सूबे में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है और धांधली का शोर आप मचा रहे हैं। देखिए, हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। हाँ जी, हमारा स्लोगन था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँगे, मईशत को ठीक करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेके आएंगे। नो डाउट कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वर्किंग से कोई बंदा भी डिनाइल नहीं कर सकता। इंतहाई खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पंजाब को चलाया है, मरकज़ में भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे सितारों के लकी होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी इस मुल्क में आए हैं और इस मुल्क की बाग दौर संभाली है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल के तरक्की के रास्ते पर लेके गए हैं। इसमें से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसको मान भी सकते हैं। मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप खुद भी तो सितारों के लकी कहलाएंगे ना। मियाँ मंजूर वट्टू को हरा दिया था, तो आप कोई छोटे मोटे आदमी तो आप भी नहीं, किस्मत तो आप पे भी मेहरबान रही है। बड़ी तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसमें मैं समझता हूँ मेरे हल्के के जो दोस्त हैं, मेरे माएँ बहनें, उनकी दुआएँ हैं। एक किसान खुश है आपसे? नहीं, इस वक्त मौजूदा हालात में किसान शदीद नाराज है। मैंने तो कल भी असम्बली के फ्लोर पे कहा था और हाथ बांध के अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा किसान के लिए कुछ करें। ये हम महसूस नहीं कर रहे हैं। जो 12.5 एकड़ यानी छोटा किसान है, वो तो बिल्कुल भूल गया है। वो मुझे तो यानी मैं कहता हूँ कि शायद अगली मरतबा हमसे गंदम पूरी नहीं हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैं और इसको हमें करना चाहिए। हमने तो रिक्वेस्ट की है, फ्लोर पे भी की है, पार्टी में भी कर रहे हैं। किसान प्रैक्टिकली इस वक्त शदीद मुश्किल में ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई है। ठीक है, आप इतफाक़ करते हैं, आखिर मैं भी एक एमपी से मुखातिब हूँ। चौधरी नवीद साहब, सियालकोट में आपका डंका बजता है, बताएं ना। बिल्कुल सर, हुई है। सच्चर साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बस इतने कहेंगे। ये मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं उनके चेहरों पर इत्मीनान की कैफियत मुझे नज़र नहीं आती। मुझे देखने में कोई मसला है या नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, आपकी नज़र बड़ी बड़ी आप नज़र रखने वाले हैं, साहिब इल्म भी हैं और साहिब राय भी हैं। गुजारिश है कि जितनी मुश्किल हैं और पब्लिक जिस तरह परेशान है और मुल्क की मौशी सूरत हाल, एक एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर हम सबको परेशान होना चाहिए और सोसाइटी के मेम्बर के तौर पर। देखें, हम डरे उस वक्त से जब इस सारे सिस्टम से पब्लिक बेदार हो गए। तो अभी तक वो मेरा तो ख्याल है वो टाइम आ चुका है हमारे पास। नहीं, अच्छा, जो नाउमीदी है, मायूसी है, वो गुनाह है। अभी चांस है। और इसमें मैं बता दूं, PMLN अकेली नहीं, सारे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप को खुदा का खौफ करके एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। आज तो एक कौमी सियासतदान के तौर पर बात कर रहे हैं आप, ये हर पाकिस्तानी की राय। इसका मतलब अडयाला जेल के जो हैं उनके साथ भी होना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए उनकी तरफ भी। सबसे पहले अडयाला वाले जो मेहरबान हैं उनको ये मानना चाहिए कि 9 मई वाला जो एपिसोड किया और करवाया गया, उस मुल्क के साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, शहदा की कुर्बानियों को रायगां करने की कोशिश की। तो अदरवाइज देखिए, एक पोलिटिकल पार्टी के वो हेड तो हैं ना, तो मैं कहता हूँ अडयाला वाले से भी बात होनी चाहिए, सिंध वालों से भी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुफाद में बैठ के तमाम पॉलिटिकल क़यादत को बात करनी चाहिए और ये सबका फ़ायदा है। और आप अपनी पार्टी से कहते हैं कि अगर कहीं हमारे से ज़्यादती हुई है, किसी की सीट अगर हमने ले ली है, तो वो वापस कर दें? मेरे ख्याल में PMLN ने तो कोई सीट नहीं ली। अच्छा, मैंने पहले आपको कहा है कि भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, आप कह रहे हैं हमारे साथ ही धांधली हुई है, ज्यादती हुई है। तो वो राणा सनाउल्ला कह रहे हैं जवेद लतीफ़ ठीक आ रहे हैं, जवेद लतीफ़ कह रहे हैं मैं ठीक नहीं आ रहा, राणा सनाउल्ला इस्तीफ़ा दो, साद रफीक साहब को छोड़ कह रहे हैं, अबरदा कोटला कह रहे हैं मोहसिन नकवी की हुकूमत है, ये क्या चल रहा है? हर हल्के के ना और हर डिस्ट्रिक्ट के अपने डायनेमिक्स हैं, वहाँ की लोकल अपने पॉलिटिक्स। मेरी तो तमाम मेरे कायदीन हैं, राणा सनाउल्ला साहब भी मेरे कायद हैं, बड़े हैं, जावेद लतीफ़ साहब मेरे बड़े भाई हैं, आबद कोटला साहब भी भाई हैं। देखिए, हमें लोकल अपने इशू से निकल के ना ओवरऑल अपनी पार्टी के लिए सोचना चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब चचा साहब।